लगता यही सही लग रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि मैं पूरी तरह सही हूँ कि नहीं, पर जो भी ठीक लग रहा है मुझे वो कर रहा हूँ। इसको यहाँ मैंने छोड़ दिया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो या में बताया था और लाइव दो के दौरान भी बताया था कि हमारे इस छोटा सा जो हमारा ये कुनबा है या जहाँ मैं गोवा में अभी रहता हूँ, जो हमने एक छोटी सी लाइफ इस्टेब्लिश करी है, उसमें एक मेंबर और ऐड हो गया है। मिली नाम है उसका, एक छोटा सा किटन है, बिल्ली का बच्चा है। तो मैंने कहा था कि उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि वो उसको कैसे ऐड किया गया, क्या परिस्थितियां बनी और क्या ज़रूरत पड़ी। तो पहली चीज़ तो ये कि कई लोगों ने उसमें लिखा कि आप दयालु हो या ऐसा कुछ उस लाइव दो के दौरान भी बोला था। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि कोई दयालु व्यालु वाली इसमें कोई बात नहीं है। मेरा सिंपल सा ये जो एक लॉजिक है कि भी जो धरती है वो हम सबके लिए है, मतलब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बाकी जीव जंतु चींटी मक्खी उसके लिए भी है, उसका भी उतना ही हक है इस धरती के संसाधन में, और ज़िंदा रहने का भी उतना ही हक है जितना हमारा है। तो हम लोग उन सब में, हमारा आईक्यू लेवल हाई है, हम बुद्धिजीवी हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उसके प्रति। तो उसी के नाते मैंने, ये मेरी एक सोच है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं पंजिम से आ रहा था अपने घर, तो जो पर्रा रोड है, जो कोकोनट ट्री रोड है, आपने कई मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वो डियर जिंदगी वाला जो रोड है, उससे जस्ट पहले एक सैनगोल्डा एक जगह पड़ती है। और मैंने जैसे बताया कि भी मैंने अभी इस चैनल पर मैं कसिनो के कोई वीडियो नहीं डालता हूँ, तो एक चैनल अलग से मैंने कसिनो के लिए बनाया, मनी इज़ नथिंग। अगर कोई कसिनो का कोई गैम्बलर प्लेयर देख रहा है तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वो वहीं पर ही मैं वीडियो डालूंगा और वहीं पर ही मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो हुआ ये कि मैं वहां से आ रहा था, शाम का टाइम था, सनसेट होने वाला था, तो मुझे लगा कि यार उस चैनल के लिए कोई वीडियो नहीं है, चलो यहीं रास्ते में स्कूटर रोक करके थोड़ा सा एक वीडियो बना लेते। तो मैंने सैनगोल्डा के पास में, वो दोनों तरफ खेत है, बीच में से वो रोड गुजरता है, तो मैंने वहाँ पर वो स्कूटर रोका और उसके ऊपर एक वीडियो बनाया। वो वीडियो उस चैनल पर भी अपलोड है। वो जब मैं वीडियो बनाने के लिए स्कूटर वगैरह रोक रहा था, तो मैंने देखा कि एक कुत्ता एक बिल्ली का बच्चा लेकर के भागा, तो और वो भाग के खेत में रुक गया। तो मैंने उसको पत्थर मार के भगाया और वो उस बिल्ली के बच्चे को छोड़ के चले गया, और मैंने अपना वीडियो बनाना शुरू किया। उस वीडियो के दौरान मैंने दोबारा देखा कि एक कोई कुत्ता साइड में बैठा हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे झांके जा रहा है लगातार। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे देखा, जिस वॉल के ऊपर मैं बैठ के वीडियो बना रहा था ऐसे झांका, तो वहाँ पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा और था। तो मैंने वो वीडियो को फटाफट शॉट में ही कंप्लीट किया, और उसके बाद उस कुत्ते को मैंने भगाया और जा करके उस बिल्ली के बच्चे को उठाया मैंने। और वो ऑन रोड था और चलता हुआ रोड था, तो मैंने सोचा कि इसको अंदर जाके खेत में मैं इसको छोड़ देता हूँ, जहाँ पे इसका जो दूसरा भाई या बहन जो भी है वो होगा। तो मैंने देखा तो वो मर चुका था, उसकी फ़ोटो आपको साइड में दिख जाएगी, और वो सारी क्लिप उस समय जो मैंने शूट करी वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, इस वीडियो के अंदर आगे दिखा दूंगा या बीच बीच में आ जाएगा। तो जब मैंने उस बच्चे को देखा, वो तो मर चुका था, तो इसको मैंने थोड़ा दूर जा करके खेत में छोड़ा, पर वो देखा कि वो कुत्ते दूर से तीन चार कुत्ते फिर नज़र गाड़ के बैठे हुए थे, कि मतलब यही होना था थोड़ी देर में इसको भी मार देते वो। फिर मैंने, मतलब मेरा मन नहीं माना कि इसको यहाँ छोड़ना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा क्या हुआ फिर, तो वो थोड़ी देर में मार ही देंगे जब एक को मार दिया उन्होंने। तो मैंने कहा इसको लेके कैसे जाऊँ, तो मैंने एक प्लास्टिक की थैली मिली मुझे, येलो कलर की, नॉर्मल जो पॉलीपैक होता है, मैंने उसके अंदर डाला। मुझे कहा लगा कि यार इसको सांस वास लेने में दिक्कत ना आए, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा उसको खोल के रखा। अब ये इतना शरारती और इतने एक्टिव होते बिल्ली के बच्चे, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उसमें से मुँह निकाले। अब मुझे लग रहा है कि स्कूटर चलाते टाइम कहीं ये स्कूटर से निकल के नीचे ना गिर जाए, मेरे ही स्कूटर के पहिए में के नीचे ना आ जाए या किसी और गाड़ी के नीचे ना आ जाए। तो बड़ा एक अजीब सा उस समय का एक माहौल था। तो जैसे तैसे करके मैं इसको थोड़ा दो तीन किलोमीटर आगे तक लाया। ये चिल्ला रहा है म्याऊं म्याऊं और लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी को किडनैप करके लेके जा रहा हूँ, या लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ा क्रूर है, प्लास्टिक की थैली में डाल के लेके जा रहा है। ये भी था मुझे, और मुझे ये था कि यार ये ना निकल के चले जाए। फाइनली मैंने एक दो जगह पर ट्राई किया, जहाँ पर सेफ जगह मिले मैं उसको रखूँ, इसकी म्याऊं म्याऊं सुन के कुत्ते आ जाए भाग के। तो एक जगह पर एक फार्मर काम कर रहे थे अपने, मतलब कोकोनट ट्री उगाए थे उन्होंने, उसको पानी वानी देने के लिए। तो मैंने उनसे बोला कोई बॉक्स का अरेंज हो सकता है कि मैं इसको बॉक्स में डाल के ले जाऊँ, क्योंकि यहाँ छोड़ूंगा तो फिर कुत्ते मारेंगे। उन्होंने कहा डिक्की में डाल दो। मैंने कहा नहीं, डिक्की मेरी में हवा नहीं आएगी बिल्कुल भी, और गर्मी इंजन के ऊपर है तो गर्मी जनरेट करेगी, तो इसको तो वैसे ही दम घुटेगा, इसको दिक्कत हो जाएगी, तो अब क्या करें। पर उन्होंने जो बात बोली वो आइडिया मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने क्या किया, इसको डिक्की में डाला और वहाँ से ना दो लकड़ी उठाई बांस टाइप की छोटी सी, जिसको मैंने अपनी सीट और डिक्की के बीच में रख दिया, ताकि डिक्की एक इंच के करीब खुली रहे,
और मैंने चेक किया वो खुली हुई थी, मतलब हवा उसको आराम से मिल सकती थी पर वो बाहर नहीं जा सकता था। और उसी सीट के ऊपर आगे की तरफ बैठ के मैं इसको धीरे धीरे करते हुए लेके आया, और हर एक दो किलोमीटर में खोल करके मैं इसको बाहर थोड़ा सा ताज़ी हवा लगवाता था, क्योंकि अंदर हीट थी, डरा हुआ बच्चा था। तो ऐसे करते करते मैं इसको फाइनली अपने घर में लेकर के आया, और यहाँ पे हमारे 10-12 बिल्लियाँ ऑलरेडी पलती है, तो मैंने कहा कि इसको ऐसे ओपन गार्डन में छोड़ देंगे, ये रोड से थोड़ा सा दूर भी है तो उन बिल्ली बच्चों बिल्लियों में मिक्स हो जाएगा, तो कल को कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। और फिर टॉनी जेरी ने एक दिन हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, मतलब टॉनी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर एक दो दिन बाद जाके अब टॉनी और जेरी दोनों इसके दोस्त बन चुके हैं। अब इसे टॉनी जेरी से डर नहीं लगता, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बल्कि उनके साथ खेलती है, उनके साथ ही सोती है, ये गार्डन में दिन भर घूमती रहती है, हम रात को इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसने एक जगह बनाई है, यहाँ पर ये सो जाती है। अब तो पहल कहती है कि अंदर ही रहेगी, तो वो अंदर ही सो जाती है हमारे साथ। तो ये एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया कि एक बिल्ली का बच्चा हमारे एक इस कुनबे में और ऐड हो गया। मैं ये श्योर नहीं है कि मैं कभी जाऊं तो उसको साथ ही लेके जाऊंगा, पर मैं उसको इसे इस तरीके से पालना चाहता हूं कि वो ओपन घूम फिर सके, मतलब यहीं पे रच बस सके, कि यहाँ पे भी रहे तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही सेम डोडो के साथ किया था, तो डोडो भी अब यहाँ पे रह रहा है। अभी डोडो का जैसे मैंने आपको बताया कि उसके चोट लग गई है, बिल्कुल भी वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगा। तो पहल ने पहले उसका नाम रंगू रखा था, फिर रेंगो रखा, फाइनली उसका नाम मिली रखा है, और उस बिल्ली के बच्चे का नाम मिली है जो अभी हमारा एक साथी यहाँ रहता है। तो मैंने कहा चलो उसके बारे में आपको बताना चाहिए, बाकी आगे और जो भी इस तरह की कोई चीज़ें होंगी वो बतानी है। अभी होम स्कूलिंग के 2-3 वीडियो शूट किए हैं पर वो अपलोड नहीं कर पाया काफ़ी दिनों से, होम स्कूलिंग के वीडियो, पर 1-2 होम स्कूलिंग के वीडियो अपलोड करेंगे, और फिर बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं डोडो को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू। देख रहे हो भाग रहा है, उसको मैंने भगाया है। अभी एक कुत्ता ना यहाँ से बिल्ली का बच्चा डाल करके मुंह में ले गया है, और एक बच्चा ये रहा, इसको वो उठाने के चक्कर में था, एक बच्चे को तो वो उठा के ले गया, अभी एक बचा हुआ बच्चा। अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, कुत्ते खा जाएंगे इसको। वो कुत्ता चले तो गया है, पर क्या है कि एक कुत्ता वो बैठा, वो खा रहा है बिल्ली का बच्चा। मैं देख, मार दिया कुत्ते ने। इस बिल्ली के बच्चे को कुत्ते ने मार दिया, उसको मैंने पत्थर मार के भगाया, पर तब तक वो इसको मार चुका था। अब एक बच्चा बचा हुआ है जिसको वो दूसरा कुत्ता उठाने के चक्कर में था, तो मैंने उसको भी पत्थर मार के भगाया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस बच्चे का क्या करूं। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, या तो इसको सड़क से उठा करके ना झाड़ियों में डाल देता हूं ताकि ये झाड़ियों में बच जाए, नहीं तो सड़क पे किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आके मर जाएगा। वो रहा, ये रहा, ये छोटा सा बच्चा है, एक बच्चे को मार दिया है। इस बच्चे को ना मैं, रुक जा, इस बच्चे को मैं झाड़ियों में छोड़ देता हूँ, देखो कूद गया। इस बच्चे को मैं झाड़ियों में छोड़ देता हूँ ताकि ये बच सके, नहीं तो ये इसको कुत्ते मार देंगे। इसको यहाँ मैंने छोड़ दिया है क्योंकि एक बच्चे को तो कुत्ते ने मार दिया, वो उधर पड़ा हुआ मरा हुआ, और इसको कुत्ता उठाने के चक्कर में था तो उसको मैंने पत्थर मार के भगा दिया। गो, अब इसको मैं घर भी नहीं लेके जा सकता, इसकी माँ यहाँ होगी। और मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा वो कैसीनो वाले चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए रुका था, तब भी मैंने देखा। अब इसका क्या करूँ, इसको घर ले जाऊँ या यहाँ छोड़ दूँ? घर लेके जाऊँ तो लेके कैसे जाऊँगा, कोई प्लास्टिक की थैली भी नहीं है, नहीं तो यहाँ तो इसको कुत्ते मार देंगे। माँ इसकी मुझे दिख नहीं रही, एक मर चुका है। हमारे यहाँ पे वैसी बहुत सारी बिल्लियाँ, एक और ये पल जाएगी। चलो जैसा भी है मैं आपको बताऊंगा।
मैंने फैसला किया है कि मेरे को एक प्लास्टिक की थैली मिल गई थी, मैं इसको यहाँ से ले जाऊँगा। हमारे यहाँ पे 10-12 बिल्लियाँ हैं, तो इस बिल्ली को भी मैं अपने घर पे ले जाऊँगा। छोटे से बच्ची वहीं पे पल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं और एक पपी, एक जो किटन जो है, एक बिल्ली का बच्चा मार दिया कुत्तों ने। और मैं यहाँ पर दीवार पर बैठ के कसिनो वाले चैनल के लिए वीडियो बना रहा था, तो मुझे मालूम नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस प्लास्टिक में डाला है, ऊपर मैंने होल कर दिया सांस लेने के लिए। 10 मिनट में मैं 15-20 मिनट के अंदर मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो जैसा भी है, इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो बनाऊंगा। मुझे यही सही लग रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं पूरी तरह सही हूँ कि नहीं, पर जो भी ठीक लग रहा है मुझे वो कर रहा हूँ।